नमस्कार, मैं कोमल माने। एमवीटीवी के समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सड़कों पर गड्ढों के कारण गणेशोत्सव में बाधा। मुंबई में सब्जियों के दाम हुए कम। गणेश जी के लिए बाजारों में विविध प्रकार के आभूषण। आखिरी श्रावण सोमवार, तीसरे दिन भी बारिश का जोर लगातार जारी। आने वाले 24 घंटे में मुंबई में बारिश का इशारा। आवक बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम में 30-40% गिरावट हुई है। श्रावण मास में भगवान शिव की प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में विशेष सोमवार को व्रत करते हैं, उसे श्रावण मास का व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से अपने मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार नवी मुंबई में सब जगह श्रावण मास के आखिरी सोमवार को भक्तों ने शिव मंदिर में दर्शन के लिए कतारें लगाई। पूरे श्रावण मास में श्रावण का आखिरी सोमवार पिठोरी अमावस्या की पूजा करके श्रावण व्रत खोला जाता है। मंदिरों में बेलपत्ता, फूल और दूध चढ़ा के भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और शाम को मीठे खाद्य पदार्थों से व्रत खोलते हैं, ऐसी जानकारी महिलाओं ने दी है। श्रावण महिन्यातला हा शेवटला सोमवार आहे आणि आज पिठोरी अमावस्या पण आहे, त्यामुळे आज आमचा सगळ्यांचा उपवास असतो या दिवशी, पिठोरी अमावस्याच्या दिवशी। आणि नंतर मग संध्याकाळी आम्ही दिवसभर उपवास धरून संध्याकाळी उपवास सोडतो। सातच्या नंतर दिवाबत्ती झाली की उपवास सोडतो आम्ही, केळीच्या पानावर उपवास सोडतो। श्रावण महिन्यात आम्ही श्रावण महिना चालू झाल्यापासून श्रीकृष्णाचं पारायण करतो, श्रावण महिना पूर्ण होईपर्यंत। आज अमावस्येपर्यंत पूर्ण होतं। आज श्रावणी सोमवार आहे आणि हा शेवटचा पाचवा सोमवार आहे। आज सोमवती अमावस्येचा खूप छान मुहूर्त आहे आणि हा सोमवार आम्ही रात्री संध्याकाळी 7 नंतर सोडतो। सोमवारांना खूप महत्त्व आहे, पूर्ण महिना आम्ही हे सोमवार करतो। इस प्रकार श्रावण सोमवार मनाया जाता है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे के साथ अक्षय कातमवार, MVTV। तीसरे दिन भी बारिश का जोर वैसे ही है। आने वाली 24 घंटों में मुंबई और नई मुंबई में जोरदार बारिश का इशारा। शनिवार रविवार की तरह आज भी बारिश का जोर लगातार जारी रहेगा। आने वाले 24 घंटे में मुंबई में जोरदार बारिश होने का इशारा मौसम विभाग से दिया गया है। वैसे आने वाले 3-4 दिनों में राज्य में अनेक जगह पर जोरदार बारिश रहेगी। रविवार सुबह से ही मुंबई, पूर्व पश्चिम, उपनगर, ठाणे, नवी मुंबई, इन सारी जगह पर लगातार बारिश जारी है। रविवार के दिन हुई इस बारिश के कारण मुंबई और नवी मुंबई में मौसम ठंडा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। नवी मुंबई में श्रावण के आखिरी सोमवार को भक्तों ने शिव मंदिर में भारी मात्रा में कतारें लगाकर भगवान शिव का दर्शन लिया। गोकुल अष्टमी के बाद से सब्जियों की मांग बढ़ने के कारण सब्जियों के दरों में गिरावट हुई है और अगले 2 महीने में ऐसी ही स्थिति रहेगी। वैसे ही मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति में छोटे बाजारों में शुक्रवार के दिन 712 ट्रक टेम्पो भर के आए, ऐसा दर्ज हुआ है। सब्जियों में होने वाली बढ़ोतरी के कारण सब्जियों के दामों में बड़े पैमाने पर गिरावट हुई है। वैसे ही पत्ता गोभी, फ्लावर, टमाटर, भिंडी आदि सब्जियां पहले से सस्ती हुई है। पहले पसंद जास्त होता, आता कम नहीं आला, आता मतलब लेवल आले फक्त सर्व, आता जे वटाने 150-200 होते, आता 30-40 रुपये किलो आला मार्केट आला, इथे पण 40-50 रुपये किलो लोक विकते। फक्त टमाटरच्या पाच्यान पण तसेच आहे, 40-50 रुपये किलो झाला, आता सर्व जे भाजी कमी एकदम कमी झाले, हा सर्वच कमी झाले। आता कोथंबीर थोडी आज वाढले, कोथंबीर काल 5-6 रुपये गाडी होते, आज 20-30 रुपये जागावर बजेट झालं मार्केटला। मार्केटला पर्यंत येतच 5-10% तर लागते लोकांना, विकतेला किती झालं तर 40 येणार आहे। थोडा फरक आहे, कमी झाले थोडे। पहिले टमाटे अगदी 100-120 पर्यंत गेले होते, आता जो 60-70 फरक पडलाय, कमी झाले थोडे, पण अजून कमी व्हायला पाहिजे, तरी सुद्धा अजून आहेत। कांदे बिंदे बघा ना, कांद्याचे भाव किती जास्त आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज कांबळे के साथ अक्षय कातमवार, MVTV। शहरों के रास्तों पर गड्ढों के कारण अब गणेश जी का स्वागत इन गड्ढों से ही होगा। गणेशोत्सव के लिए हर जगह पर जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो चुकी है, पर शहरों में के सभी रास्तों पर गड्ढे हैं, इसीलिए गणेश जी को गड्ढों का सामना करते हुए सफर करना पड़ेगा। वैसे ही चतुर्थी पूर्व सभी गड्ढे बुझाए जाए, ऐसी मांग होने के कारण महापालिका क्षेत्र में 800 सार्वजनिक मंडले हैं। घर घर में आने वाले गणेश जी की संख्या भी बढ़ रही है, परंतु भव्य मूर्तियों की स्थापना करने वाले गणेशोत्सव मंडलों को गड्ढों की वजह से बड़ी बड़ी मूर्तियां ले जाते वक्त तकलीफ होगी। उसी तरह जून में शहरों के रास्तों पर गड्ढे गिर गए थे और बारिश कम होने के बाद पालिका ने यह गड्ढे मिटा दिए थे, लेकिन अगस्त में ज्यादा बारिश होने के कारण रास्तों पर फिर गड्ढे हो गए हैं और इसीलिए अब गणेश जी का स्वागत गड्ढों के साथ ही करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कांबळे के साथ अक्षय कातमवार, MVTV। गणेशोत्सव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है। प्यारे बापा के आगमन के लिए सभी बाजार पेट सज उठे है। गणेश जी के आगमन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस दौरान शहर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। गणेश जी की मूर्ति अधिक सुंदर दिखने के लिए बाजारों में विविध प्रकार के आभूषण, मालाएं, लाइटिंग,
इन्हें विशेष महत्व दिया है। घर में गणेश जी हो या फिर मंडलों में हो, हर एक गणेश भक्त अपने प्यारे बापा जी को सजाने के लिए उत्साही होता है और यह उत्साह पूरा करने के लिए अब बाजारों में विविध प्रकार के पर्याय उपलब्ध है। वैसे ही सोने और चांदी के गहनों की बढ़ती मांग होने से व्यापारियों का धंधा बहुत अधिक जोरों से चल रहा है और इस प्रकार अपने प्यारे गणेश जी को सजाने के लिए ज्वेलर्स की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। वैसे ही बापा जी की मूर्ति चांदी के गहनों से सजाने के लिए मंडल अधिक बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।